भरतपुर जिले के डीग के खो थाना इलाके में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला किया। कुछ देर बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक 33 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। फिलहाल एक महिला सहित 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को RBM अस्पताल लाया गया, जहाँ सभी का इलाज जारी है। इनमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल है। घायल कुंवर ने बताया कि उसके परिवार का जीतराम के साथ खेत को लेकर झगड़ा चल रहा था। जीतराम पक्ष कुंवर के खेत पर कब्जा करना चाहते हैं। कुंवर और उसके परिवार के लोग खेत में काम कर रहे थे, तभी अचानक सीताराम 20-25 लोगों को लेकर खेत पर पहुंचा। सभी के पास लाठी डंडे और हथियार थे। उन्होंने आते ही कुंवर और उसके परिजनों पर हमला बोल दिया। पहले जीतराम और परिजनों ने कुंवर के परिवार पर लाठी डंडों से हमला किया। कुछ देर बाद जीतराम पक्ष ने कुंवर पक्ष पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। कुंवर के परिवार के एक व्यक्ति हरबान उम्र 33 साल को गोली लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना में कुंवर के परिवार के लोग घायल हो गए। घटना के बाद जीतराम पक्ष फरार हो गए और घटना की सूचना मिलने के बाद खो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को डीग अस्पताल पहुंचाया, जहां से घायलों को भरतपुर रेफर कर दिया गया। हरबान के शव को डीग अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, न ही पीड़ित पक्ष की तरफ से कोई शिकायत दी गई। 1/5/2022 को जमीन विवाद को लेकर ग्राम जटेरी में दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष के 7 व्यक्ति घायल हो गए और एक व्यक्ति की गोली लगने के कारण मृत्यु हो गई। इसमें कोई फायरिंग हुई है क्या? हाँ, एक व्यक्ति की फायरिंग लगने की फायर होने के कारण मौत हुई है। विवाद ऊपर में झगड़ा हो गया, हम उनको लेकर यहाँ। कैसे घायल हुए हैं? किस तरीके से घायल हुए हैं? कैसे हुए हैं? लाठी गोली चली, इनकी हिंदू गोली चली, वही चली है खेत पर, जमीन पर, घर पर नहीं, जमीन पर, मेरा देखा। अच्छा, इसमें कोई मरा है? मरा है। अच्छा, नाम क्या है आपका?